फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लालेश फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज, आज की डेट में यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ने को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। जी हाँ गाइज, जो आपकी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो फाइनली 30 नवंबर तक बढ़ेगी। शासन को पत्र लिखा जा चुका है। जी हाँ गाइज, जैसा कि आपको पता होगा, कल रात को यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट थी, बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो इस बीच बड़ी अपडेट आ रही है, जो आपकी लास्ट डेट है यूपी स्कॉलरशिप की 30 नवंबर तक बढ़ाई जाएगी। शासन को पत्र लिखा जा चुका है। साथ ही जो आपका फाइनल सबमिट है कॉलेज में, फाइनल सबमिट करने का, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड कराने का, आधार ओटीपी की समस्या जो है, फोटो न शो होने की समस्या, सभी प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जी यार, आप लोग देख सकते हो कि आधार सत्यापन में फंसे छात्रवृत्ति के आवेदन। जी हाँ गाइज, आज की ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो। और आपकी लास्ट डेट 30 नवंबर तक बढ़ाए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। और ये कन्फर्म मांग के चलिए कि आज की डेट में शाम तक कोई ना कोई नोटिस आएगी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ने को लेकर। क्योंकि देखिए, अभी तक स्कॉलरशिप की लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। आपको पता होगा कल रात को 12 बजे तक तो लाखों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, बहुत सारे छात्र टेंशन में हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, टेंशन मत लो, पहले वीडियो को पूरा देखो। देखिए 26 अक्टूबर की ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है। यहाँ पर देखिए, LVV लखनऊ विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन की सोमवार को आखिरी तिथि ठप रही साइड। VV प्रशासन ने 30 नवंबर तक तिथि बढ़ाने को भेजा पत्र। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय व संयुक्त महाविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आधार सत्यापन में फंस गई है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सोमवार को आखिरी तिथि थी, लेकिन साइट सुबह से ही ठप थी। ये बातें सबको पता होगी, साइट एकदम नहीं चली थी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने निदेशक समाज कल्याण को पत्र भेजकर आवेदन तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की है। विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वे ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु कई बार आधार सत्यापन का सर्वर ही काम नहीं कर रहा। बिना आधार सत्यापन के आवेदन नहीं हो पा रहा था, जिससे काफ़ी छात्र इससे वंचित रह गए। देखिए, यहाँ पर पूरा फंडा, कि आपको पता होगा, आधार किसी का OTP नहीं वेरीफाई हो रहा, किसी का ग्रीन टिक नहीं हो रहा, किसी का क्रॉस करके आ जा रहा है। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म तो भरा, लेकिन उनका आधार ही वेरीफाई नहीं हो रहा है। बहुत सारे छात्र फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि सर, स्कॉलरशिप की लास्ट डेट अभी बढ़ी नहीं, अब क्या होगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो देखिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, आज शाम तक, कल तक, एक दिन के। अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या JEE NEET या पॉलिटेक्निक या BTEC कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं एक अमेजिंग सा एप्लीकेशन लाया हूँ। जी हाँ गाइस, जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप लोग 24x7 आवर्स अपने सवालों के आंसर पा सकते हो विद इन 60 सेकेंड। इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, जिसमें आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और इस एप्लीकेशन को सर्च करके, डाउनलोड करके, मोबाइल नंबर डाल के इसको साइनअप कर लेना है। इसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की फोटो लेनी है और यहाँ पर अपलोड करना है, जहाँ पर आप लोग विद इन 60 सेकेंड लाइव जुड़ जाओगे इंडिया के एक्सपर्ट के साथ और अपने सवालों के आंसर पा सकते हो। तो देरी किस बात की, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइज यार, देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इस रेफरल कोड को आप लोग यूज कर सकते हो जो सामने दिख रहा है। समाज कल्याण विभाग को पत्र लिख रही है 30 नवंबर तक बढ़ाने के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि DWO वाले या समाज कल्याण विभाग डेट न बढ़ाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह AKTU, BTUP सभी यूनिवर्सिटी के छात्र मांग कर रहे हैं, तो सभी यूनिवर्सिटियों ने पत्र भेज दिया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मान के चलो ऐसा नहीं हो सकता कि DWO लास्ट डेट न बढ़ाए। तो लास्ट डेट आपकी बढ़ेगी, मैं फिर भी अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट डेट आपकी बढ़ेगी। थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, फॉर्म भर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भर पाए हो तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, डेट बढ़ेगी। जैसे मैं आपको बता दूंगा, आप लोग आराम से भरिएगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। OTP प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कॉलेज में जो आप लोग बोले हो हार्ड कॉपी जमा करने की डेट आज ही लास्ट डेट हो, तो उसके लिए क्या होगा। तो देखिए, जब स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ेगी तो हार्ड कॉपी जमा करने की भी लास्ट डेट बढ़ेगी, साथ ही कॉलेज से फॉरवर्ड कराने की भी लास्ट डेट बढ़ेगी। जब एक डेट बढ़ती है तो सभी डेट एक्सटेंड होगी। साथ ही OTP की प्रॉब्लम हो, फोटो नहीं शो हो रहा, सब कुछ सर्वर का इशू है, डेट बढ़ा दी जाएगी। जैसे जैसे सर्वर पर लोड कम होता जाएगा, जैसे कुछ छात्र भरते जा रहे हैं फॉर्म तो लोड कम होता जा रहा है, उसी प्रकार से आपकी सभी प्रॉब्लम का मतलब सलूशन निकलता चला जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत कुछ भी गड़बड़ी रह जाती है तो टेंशन ना लो, नवंबर में आपकी करेक्शन की डेट आने वाली है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, चाहे रोल नंबर हो, चाहे फीस रसीद का फंडा, कुछ भी हो, समझ रहे हो। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आज की यही कुछ अपडेट आई थी। 30 नवंबर तक डेट बढ़ाने को लेकर शासन को पत्र भेजा जा चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम गुड न्यूज़ आ सकती है, ऑफिशियल अपडेट आ सकती है डेट बढ़ने को लेकर, ताकि मैं आपको
सबसे पहले अपडेट दे सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।